और भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहले हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि आखिर इस मुद्दे को लेकर क्या कहे। और नाथूराम गोडसे को लेकर जिस तरह से देशभक्त कहा सियासत गरमाई, तो माफी यहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए मांग ली गई है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी और हिंदुत्व के कट्टर एजेंडे के जाने पहचाने चेहरे का ये बयान चुनावी घमासान में तूफान बनकर उतरा। साध्वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान की चौतरफा आलोचना हुई। चुनावी रण में साध्वी प्रज्ञा का ये बयान बीजेपी के लिए बूमरैंग बनता दिखा। और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालना चाहिए। इससे पहले कि प्रज्ञा का बयान विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन जाए, बीजेपी ने फौरन डैमेज कंट्रोल करते हुए प्रज्ञा के बयान की न सिर्फ निंदा की बल्कि इस बयान पर माफी मांगने को भी कहा। साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं, माफी मांगनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा जी को। लिहाजा एक बयान और आया, माफीनामे की शक्ल में उलझे जुबान पर चढ़ा माफीनामा। मैं रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुँचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुँचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ।